गोपाल सिंह जी इंडवा चलते हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन। पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे नेतागण और मेरे सामने विराजमान युवा शक्ति बड़े बुजुर्गण माताएं और बहने, आज आप लोग यहाँ पधारे हो एक उस लीडर को ताकत देने के लिए जो अपन लोगों की ताकत बनके सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप के अंदर किसान की, मजदूर की, मजबूर की, युवाओं की ताकत बनके जो अपन लोगों के लिए सड़कों पे रात और दिन, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात हो, उसके अंदर अपन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हेलो, उस व्यक्ति के लिए आज अपन सब लोग उनके समर्थन में, क्योंकि वो अपन लोगों के लिए, युवा शक्ति के लिए, इनके भविष्य के लिए आज लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो नाकाम है लड़ाई लड़ने में। हर एक पर्चा होते आउट की जब खबर आती है तो उन माता पिता पे क्या गुजरती है सोचिए, जो रात दिन खेतों में मेहनत करके फसल उगाते हैं और उसको बेच के अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, उन बेटे बेटियों की, उन माता पिता की, उनके सपनों की जब हत्या होती है तो सोचिए उन बड़े बुजुर्गों पे क्या बीतती है जो गांव ग्रामीण परिवेश के अंदर, उन परिवार का यदि एक बेटा नौकरी लगता है तो कितने लोगों के सपने साकार होते, सोचिए उन लोगों की सपनों की हत्या होना इसका मतलब प्रदेश के सभी साथियों के साथ अन्याय होना। ये भी युवा शक्ति और ये जो असली जनता का लीडर होता है वो कभी सहन नहीं करता है, उसकी लड़ाई मजबूती से जो सड़क पे लड़ रहे वो है सचिन पायलट, उनके साथ अपन लोग मजबूती से आज खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो अपने साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उनको अपने सुख दुख के बारे में पता है। प्रदेश के युवा साथ उनका भविष्य सुनहरा कैसे होगा उस ओर वो कार्य करते हैं, विजन लेके चलते हैं, उनके चेहरे पे आप लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर बड़े बहुमत के साथ पार्टी को सत्ता में लेके आए थे तो अपन लोगों के सपने भी तो उनसे जुड़े हुए कि अपने लिए क्या कार्य करने चाहिए, और उन्हीं सपनों की जब हत्या होती है तो अपन लोगों के ऊपर क्या बीतती है सोचिए। एक दिन मुखिया जी कहते हैं